आज से हम पिक माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है इस वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा आईडी यूज़ करना है उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको एक आई की ज़रूरत पड़ेगी आई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है क्या करना है सब हम अभी देखने वाले हैं तो पहले आपको क्या करना है गूगल को ऊपर करना है इसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट कॉम तो ये पहली वेबसाइट यहाँ पे आएगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे अभी ओपन हो गई है तो यहाँ पे ये यह जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वेबसाइट दिखाई देगी ये टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है आगे भी इसमें अपडेट किया जाएगा इसके बाद में आई क्या है आई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग करने में आसानी होती है इसके बाद में आप डाउनलोड पिक सिम्युलेटर आई है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये दो तीन एम का छोटा सा सॉफ्टवेयर है इसको आपको डाउनलोड करना है तो इसके बाद में यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा कोई इश्यू नहीं है आप इसको आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है डाउनलोड एनी वे करके ये जो बटन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा शो इन फोल्डर में अभी जाके हम देखेंगे तो ये कुछ दो ढाई एम का सॉफ्टवेयर है ये जो सॉफ्टवेयर है कोई भी बेसिक्स है पीसी में ओपन हो जाएगा डुअल कोर कोर टू डि कौन सा भी पी हो तो इसमें आसानी से ओपन हो जाएगा तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है पहले हम इसके ऊपर करेंगे डबल क्लिक तो यहाँ पे यस करना है इसके बाद में इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है इसको नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल करना है ये हो गया इंस्टॉल इंस्टॉल होने के बाद में इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं इसके बाद में स्टार्ट में जाएंगे ये जो पिक सेम लो ट्राइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर पहली बार आपको क्या करना है राइट right क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है नहीं तो कुछ नहीं तो कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है तो पहले हम देखते हैं डायरेक्टली ओपन होता है क्या हो भी सकता है नहीं यहाँ पे इस तरह से एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर क्विटिंग करके यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसको क्या करना है स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे राइट right क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको आपको फर्स्ट टाइम करना है इसको ओके okay करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर अभी इवेलेशन मोड में चालू हो जाएगा तो हम इसको थर्टी टाइम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और एक सेशन इसका होता है सिक्सटी मिनट्स का तो चलो हम इसको ओके okay कर देते हैं ओके okay करने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है तो इसमें से इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है फाइल में क्लियर मेमोरी लोड मेमोरी सेव मेमोरी तो ये क्या है हम आगे देखेंगे सिमुलेशन ये जो ऑप्शन है ये भी हम बाद में देखेंगे इसमें बीच बीच में ये टिप्स आती रहती है यहाँ पे ये रेट है ये सिमुलेशन का स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए है. इसके बाद में यहाँ पे टूल्स दिए यहाँ पे ये टूल्स दिए गए हैं तो इसमें से जो माइक्रो कंट्रोल के अंदर जो ईपरम e वगैरह वो, वो दिए या कुछ हम इसको एक्सटर्नल कुछ हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये तो एक्सटर्नल जो भी हम हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं जैसे ये एलईडी का बोर्ड है जनरली माइक्रोकंट्रोलर आईसी आई के अंदर हर एक पोर्ट के अंदर आठ पिन होती है तो इसमें ये पोर्ट दिखाई दे रहा है बी पोर्ट है इसके बाद में हम इसके ऊपर टूल्स के ऊपर जाके देखेंगे तो ये एल सी डी है इसमें तो जो भी हम प्रोग्राम करेंगे ये एल के ऊपर हमको यहाँ पे दिखाई देगा ये सब सिमुलेशन हम यहाँ पे करके देख सकते हैं इसके लिए हमको कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है पहले तो हम यहाँ से इसको सिमुलेशन से ही सीखेंगे इसके बाद में हम हार्डवेयर के ऊपर भी कैसे प्रोग्राम करना है प्रोग्राम को कैसे बंद करना है ये भी सीखेंगे इसके बाद में पहले तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो व्यू है ये जो आई सी अभी यहाँ पे हमने कौन सी आई सी यहाँ पर सेलेक्ट की है पिक सिक्सटीन एप एट सेवन सेवन ए तो ये जो आई सी है इसका व्यू कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है इस व्यू को हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में जाके हम ये जो कम्पैक्ट माइक्रोकट्रोल व्यू है ये जो अभी टिक मार्क यहाँ पे किया हुआ है इसको हम अनटिक कर देंगे और बाद में हम इसको माइक्रो कंट्रोल व्यू को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जो माइक्रो कंट्रोल आई सी ए पिक सिक्सटीन एप एट सेवन सेवन ए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है इसमें ये जो ए करके यहाँ पे जो पिन है एनोलाग पिन है और यहाँ पे जो टी करके आ रहा है ऑफ ये सब डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है ये जो एनोलाग पिन है इसको भी हम डिजिटल पिन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कैसे करना है हम आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे तो इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ इसके बाद में ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एड्रेस वैल्यू वगैरह है ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है और जनरल फंक्शन रजिस्टर ये आईसी के अंदर इंटीग्रेटेड रहता है इसको कैसे यूज़ करना है क्या है ये आगे आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो टाइमर रजिस्टर है स्टेटस रजिस्टर पोर्ट ए पोर्ट बी ये जो आई है इसके अंदर जो भी पोर्ट है यहाँ पे अभी शो कर रहा है इसके बाद में हम क्या करेंगे कि टूल्स में जाके बेसिक कंपाइलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक कंपाइलर ओपन होने वाला है ये कंपाइलर में हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम बिल्ड करके सिमुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो एल सी डी है या ये जो एल ई डी यहाँ पर लगे हैं इसके ऊपर हम इसका आउटपुट देख सकते हैं प्रोग्राम करने के बाद में आईसी के अंदर क्या चलता है ये हमको पता तो नहीं चलता है तो ये यहाँ पे कुछ हार्डवेयर वगैरह दिए गए जैसे एल सी डी एल ई डी वगैरह तो इसको हम ऑन अप करके यहाँ पर ही देख सकते हैं ये जो माइक्रो कंट्रोलर लिखा है यहाँ पे सिक्सटीन एफ एट सेवन सेवन ए इसके ऊपर हम अगर क्लिक करेंगे अभी इसका कंपाइलर ओपन है पहले इसको कंपाइलर को बंद करना पड़ेगा इसके बाद में हम इसको ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके भी हम माइक्रो कंट्रोलर आई को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जितनी भी आईसी दी गई है इसको हम यहाँ से प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ से भी हम आईसी को सिलेक्ट कर को hmm. सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी हम आईसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो आईसी की जो फ्रिक्वेंसी है क्लॉक फ्रिक्वेंसी इसको भी हम यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं जैसे आठ मेघ आठ सभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आई तो की फ्रिक्वेंसी को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस तरह से ये आईडी दिखाई देगा तो हम क्या करने वाले हैं इस आईडी को हम इवेल्यूशन वर्जन में ही यूज़ करेंगे हमको इसको अभी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है आगे जाके हम एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं तो इसके लिए आपको इसको परचेस करने की ज़रूरत नहीं ये आईडी आपको बाद में बहुत काम आने वाला है इसको आप इवेल्यूशन वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी ये जो माइक्रो कंट्रोल व्यू है हम जैसे ही कुछ प्रोग्राम लिखते हैं इसके इनपुट पिन आउटपुट पिन कौन सी है क्या है हमको यहाँ पे भी ये व्यू में दिखाई देगा तो कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग